केजरीवाल के खानदान पर क्यों गए बीजेपी विधायक, केजरीवाल का पलटवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपने अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस अनशन से पहले केजरीवाल ने मीडिया से खास बात की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 70 साल से जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो काम 5 साल से मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 लाख नौकरियां मिल सकती है। हर कोई काम कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल बनवा रहे हैं, सर्विस की ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। मेरे पास पावर नहीं है वैकेंसी निकालने की, केंद्र सरकार के पास पावर है। आज अगर पूर्ण राज्य बन जाए तो 2 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है, दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है। पूरा देश, सारे राज्य पूर्ण राज्य बन गए, केवल दिल्ली को इन्होंने छोड़ दिया। बाकी पूरे देश के लोगों को 1 वोट का अधिकार, दिल्ली के लोगों का आधा वोट। पूरे देश भर में लोग अपनी अपनी सरकारें चुनते हैं, उन सरकारों को अपने लोगों के अरमान पूरे करने की, उनकी डिमांड्स पूरे करने की पूरी ताकत होती है। दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार की कोई ताकत नहीं होती। हमारे लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, हमारा रास्ता रोका गया, जगह जगह काम करने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक भी चीज पे नहीं कहा कि ये तो जुमला था। 1 साल बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को कहने लगे थे जुमला है, पर हमें लगा यार खाली मैनिफेस्टो की बात होती तो ठीक था। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़वाई थी और उसके बाद पहली सरकार बनाई थी। तब से लेकर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार भी नहीं रही, मैंने गूगल करके इंटरव्यूज देखे, मदन लाल खुराना जी जैसे नेता उस वक्त भी जब वो विपक्ष में थे, उस वक्त भी इंटरव्यूज में कहते सुने गए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, दिल्ली का अगर पूर्ण राज्य नहीं बनेगा तो दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। उसके बाद आडवाणी जी ने 2003 में संसद में बिल लेकर आए थे दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का, तो हमें लग रहा था ये 15 लाख की बात छोड़ो, ये पूर्ण राज्य पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को और अपने नेताओं को और अपने नेताओं के सपनों को याद रखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की जनता से गद्दारी करके 5 साल तक पूर्ण राज्य के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।